और ये 300, तो 300 होते हैं, आउटपुट 2 ऑन हो गया और आउटपुट 1 ऑफ हो गया, तो मतलब आउटपुट 2 मेरा कूलिंग के लिए, कूलिंग का सिस्टम ऑन हो गया। अब ये जैसे मैंने इसको हेलो एवरीवन, सभी भाई लोगों का एमएस का सैल्यूट। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में कम्युनिकेशन कराने वाले हैं डीटीसी 1000 का मोडबस कम्युनिकेशन विद डेल्टा डीवीपी 14 एसएस 2 पीएलसी। इस वीडियो को देख करके आप किसी भी डेल्टा के पीएलसी का कम्युनिकेशन डीटीसी 1000 से इजीली कर पाएंगे। हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या हमारी मोडबस कम्युनिकेशन की वायरिंग होगी, क्या हमारे मोडबस कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स होंगे, और किस तरीके से डीटीसी 1000 के कम्युनिकेशन पैरामीटर को हमें सेट करना होगा यूजिंग डीटी कॉम सॉफ्टवेयर, जिसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। और मोडबस कम्युनिकेशन करने के लिए हम ये USB to RS485 कन्वर्टर यूज़ करने वाले हैं, और RS232 कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास ये डेल्टा की कम्युनिकेशन केबल है ओरिजिनल वाली। और फिलहाल हमारे पास 14 डेल्टा का DVB 14 SS2 PLC है, जिसको हमने 24 वोल्टेज पावर सप्लाई यहाँ नीचे दे रखी है, और ये RS485 कम्युनिकेशन पॉइंट पे जो कॉम पोर्ट 2 पे लगा हुआ है, इस पे प्लस पे हमने रेड वायर लगा रखी है, इस पे मैंने प्लस पे रेड वायर और माइनस पे ब्लैक वायर। अगेन आप यहाँ इसके DTC 1000 पे देखते हैं तो फिर हमारे पास नीचे ये पावर सप्लाई की वायर डालती है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पे पावर सप्लाई लिखा हुआ है, पावर सप्लाई की वायर डलती है, और ये हमारा कम्युनिकेशन की वायर है, प्लस रेड वायर RS485 कम्युनिकेशन, माइनस ब्लैक वायर है, और ये हमारा सामने हमारा ये के टाइप थर्मोकपल लगा हुआ है, और ये स्टार्ट और स्टॉप स्विच है। और अभी यहाँ पे आप पीछे यहाँ पे देखते हैं जो ये लाइट इंडिकेट कर रही है, RXTX जो ब्लिंक कर रही है, RXTX इंडिकेशन है कि ये ट्रांसमिशन RX रिसीविंग का, TX ट्रांसमिशन का, और ये हमारा आउटपुट 1 अभी ऑन है। जो हम लोगों ने इनको पावर दे रखी है वो दिया हुआ है एक स्नाइडर की PLC के साथ, जिसकी वोल्टेज इनपुट है 220 वोल्टेज और आउटपुट है 24 वोल्टेज। जो 24 वोल्टेज हमने DTC 1000 को दिए हैं और 24 वोल्टेज हमने 14SS2 को दिया हुआ है। ये 14SS2 का रन और स्टॉप बटन है। सो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखें तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ये मेरा MS ऑटोमेशन कंट्रोल का विजिटिंग कार्ड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 485 कम्युनिकेशन DTC 1000 के मैनुअल है, जिसके हमारे 485 कम्युनिकेशन के पेज पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारा ये दिखा रहा है पैरामीटर्स हैं जो RS485 कम्युनिकेशन के लिए। ये सबसे पहले हमारे सपोर्टिंग ट्रांसमिशन स्पीड जो है, ये डिफरेंट स्पीड दिखा रहा है जो सपोर्ट करता है DTC 1000, बट हम 9600 जो कॉमन ट्रांसमिशन स्पीड है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सपोर्टिंग फॉर्मेट्स की बात कर रहा है, ये फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी एक दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक अभी आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। बाकी इसको चेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स अभी बता दूंगा कैसे चेंज कर सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेसेस वगैरह, और जो हम कम्युनिकेशन एड्रेस इसके अंदर डालेंगे और सेम कम्युनिकेशन एड्रेस हमें अपने PLC के प्रोग्राम में लिखना होगा। और नीचे हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा एड्रेस कंटेंट ऑफ डाटा रजिस्टर दिखता है कि हमारे जो डाटा रजिस्टर बेसिक हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है कौन से। यहाँ हैक्स में एड्रेसेस दिए हुए हैं, 1000H है हमारा प्रोसेस वैल्यू के लिए, PV वैल्यू के लिए, मतलब कि अभी कितना टेम्परेचर है वो 1000 पे दिखेगा हमें अभी, और हमें सेट पॉइंट SV मतलब कि सेट टेम्परेचर हमें 1001 में रखना है, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसी है, अब ये सब भी हैं जो हम अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेंसर इनपुट टाइप ऑफ सेंसर 1004 पे है वो हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं, और हिस्टेरेसिस कंट्रोल मेथड में हमारा ऑन ऑफ यूज़ करके दिखाएंगे, क्योंकि वन ऑन ऑफ कंट्रोल मेथड इजी टू एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम DTC 1000 पे आ जाते हैं और अपनी एक कम्युनिकेशन केबल चेंज कर देते हैं। पहले जो हम अपनी ये
जो भी फिलहाल हम कम्युनिकेशन यूज़ करने वाले केबल यूज़ करें, यूएसबी टू आरएस 485 कन्वर्टर है, और इसका एक पिन हम लोग लगाएंगे आपके डीटीसी 1000 के मोडबस पोर्ट पे, और एक कन्वर्टर हमारा लैपटॉप में आ जाएगा। और ये फ़िलहाल हमें एड्रेसेस हैं हमारे, एड्रेस वन है मतलब हमने पोर्ट वन मतलब अपने डीटीसी 1000 का एक नंबर का एड्रेस साइन किया, वन बोर्ड रेट हमारा 9600 है, स्टॉप बिट 7 है, पैरिटी हमने इवन दी रखी है, स्टॉप बिट 1 है, डाटा लेंथ 7 है, स्टॉप बिट 1 है, प्रोटोकॉल स्काई है, ठीक है। और नीचे यानी अगर जो हमें चेंज करना है, ये जो भी हमें चेंज करने सेटिंग्स हमें चेंज करनी है वो हम यहाँ पे ऊपर में डालने वाले हैं, और जो हमें जो कंप्यूटर जो हमारे डीटीसी 1000 की पुरानी सेटिंग होगी नीचे डालेंगे, नीचे यहाँ पे टिक करेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑटो सेंट्रल, और जैसे सेट पे क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज लिखा है कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, और हम लोगों ने अपने डीटीसी 1000 की सेटिंग्स चेंज कर दी है। अब सीधे आते हैं हम अपने, इसको क्लोज करते हैं, केबल को निकालते हैं, ठीक है, केबल को निकाल करके अब हम अपना डेल्टा का टेम्प डेल्टा का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जो कि ये पहले मैंने प्रोग्राम बना रखा था, बट मैं आपको एक नया प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, उसके लिए हमें ये अपना WPL सॉफ्ट ओपन करना पड़ेगा, और WPL सॉफ्ट मैं एक बार ओपन करता हूँ और एक नया प्रोग्राम फिर से बनाएंगे, किस तरीके से डेवलप करते हैं वो भी देखते हैं उसके अंदर। तो हम कंट्रोल एन दबाते हैं, ये है हमारा क्या है डीटीसी 1000 आरएस 485 कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये PLC हमारा SS2 यूज़ कर रखी है हमने, SS2 में कल चेंज करते हैं इसको, ओके करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमें एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम दिखेगा, तो बटन दिखेगा, उसको जैसे क्लिक करते हैं तो हम कम्युनिकेशन विजार्ड में चले जाते हैं, तब इसमें हमें COM2 पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो D1120 है वो कैसे स्टार्ट करना है, कंडीशन किस कंडीशन में, तो M1000 की कंडीशन में मुझे ये यूज़ करना है, ठीक है। अभी क्या है कि होल्ड करना है कम्युनिकेशन, डाटा लेंथ आपको पहले याद है कि हमने यहाँ पे देखते हैं और इस साइड वो पेज चलाया, और बाकी उसमें आप देख सकते हैं पीछे डाटा लेंथ हमने 7 यूज़ किए, पैरिटी हमारा 8 है, स्टॉप बिट 1 है, बोर्ड रेट हमारा 9600 है, स्टेशन एड्रेस हम 1 लेके चल रहे हैं, स्काई मोड में है, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं ये हमारा 8 और 16 बिट डाटा में 8 बिट डाटा है ये, टाइम आउट हम 400 रखते हैं, ठीक है। रीसेट कराएंगे, रीसेट फ्लैग यूज़ करेंगे और ट्रांसमिशन को कंप्लीट होने के बाद फिर रीसेट कराएंगे, और रीसेट फ्लैग पर ट्रांसमिशन डाउनलोड भी करेंगे, फिर एक बार नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन मोड रीड राइट कराना है, और इसको नेक्स्ट करते हैं, बट अभी इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे, तो उसको फिनिश करते हैं पहले, ठीक है। अब ये हमारा उस कम्युनिकेशन विजार्ड से हमारा प्रोग्राम खुल के आ चुका है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग क्या बड़ा कर लेते हैं और ये कंपाइल कर लेते हैं इसको, तो चला गया यार, फिर से करना पड़ेगा, चलो अच्छी बात है, फिर से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं, शायद वो कुछ मेरे से डिलीट हो गया, वो फिर से कम्युनिकेशन प्रोग्राम वाला जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोग्राम के बटन को जैसे क्लिक करेंगे, अब हम COM2 RS485 कम्युनिकेशन पे दोबारा क्लिक करेंगे, कम्युनिकेशन विजार्ड में आके कम्युनिकेशन की कंडीशन रखेंगे, हम इसे M1000 रख रहे हैं, और सबको पता है M1000 क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऑलवेज ऑन है ये, और कम्युनिकेशन को होल्ड करा रहे हैं, डाटा लेंथ हमारे 7 है, ऑलरेडी हमने सेटिंग्स में डाला हुआ है, पैरिटी बिट E1 है, स्टॉप बिट 1 है, बॉड रेट हमारा 9600 है, स्टेशन एड्रेस हमने 1 डाला हुआ है, डाटा फॉर्मेट कम्युनिकेशन का हमारा स्काई है, 8 बिट कम्युनिकेशन करा रहे हैं, टाइम आउट हमारा ये 400 हम रखते हैं इसको, और इसको रीसेट कराएंगे, सारी ट्रांसमिशन को रीसेट कराएंगे, ट्रांसमिशन फ्लैग को रीसेट कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट, फिर कम्युनिकेशन कराना है, इंस्ट्रक्शन मोड बस रीड राइट का इंस्ट्रक्शन यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट, अब फिर हम अभी इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्राम लिखते हैं, उसको फिनिश करते हमारा ये प्रोग्राम नीचे आ जाता है,
एक बार इसको कंपाइल कर लेता हूँ मैं इसको। चलो मैंने इसको कंपाइल कर लिया और एक बार व्यूज में जा करके मैं उसके कमेंट्स को भी शो कर देता हूँ। ठीक है, अब हम ऊपर में देखते हैं कि M1000 जो है हमारी मूव करा रहा है H86 को D1120 में, और H86 को D1120 क्यों करा रहा है, क्योंकि D1120 हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस होता है और H86 हेक्स वैल्यू है आपके जो आपके बॉड रेट है, जो आपका स्टॉप बेट है, पैरिटी है, उन सब का। ठीक है, और नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार सेंडिंग रिक्वेस्ट सेट करते हैं। इंसर्ट रो हम सेट करेंगे LDPM1011। LDPM1011 सबको पता है क्यों ले रखी है, क्योंकि 10 सेकंड का क्लॉक है। उसके बाद हम सेट कराएंगे M1122 ये रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए क्लॉक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, LDM1000 ले करके हम लोग मोड रीड करेंगे MODRD कि इसमें क्या डिवाइस एड्रेस का हमारा क्या है K1, और हम लोग क्या रीड करने वाले हैं, पहले प्रेजेंट टेम्परेचर। तो प्रेजेंट टेम्परेचर किस पे आता है, H1000 पे आ रहा है। ठीक है, और हम कितने बिट तक ले यूज़ कर रहे हैं, K1 तक के, और हम K1 तक इसको रख रहे हैं। ओके दबाया मैंने, ठीक है। और अभी पता है क्या इसमें क्या है कि जो मोड H1 पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा वैल्यू मूव करेगी D1050 में, क्योंकि ये हमारा कम्युनिकेशन बिट है हमारी, उसके अंदर ये वैल्यू मूव करेगी। इसको हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। एक बार अपनी कम्युनिकेशन केबल लगाते हैं, डेल्टा की प्रोग्रामिंग केबल लगाते हैं अपनी PLC में, ठीक है। अपनी डेल्टा की प्रोग्रामिंग केबल लगा दी हमने PLC के अंदर, ठीक कनेक्ट हो गई है प्रोग्रामिंग केबल, और हम इसको ओके करते हैं। तो ये प्रोग्राम डल चुका है और हम इसको ऑन करेंगे, तो ये हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है और कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन की लाइट जल रही है। अगर मैं सेंसर को लेकर के थोड़ा रब करता हूँ तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने कोई सेट और वैसा टेम्परेचर नहीं रखा हुआ है, तो हम लोग एक इसकी अब सेट वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, कि मतलब सेट टेम्परेचर रखते हैं कितना रखेंगे इसके अंदर। ओके, सेट टेम्परेचर का एड्रेस क्या है, हम अब इसके मैनुअल में जाके देख सकते हैं। ये हमारा मैनुअल है, इसके अंदर क्या M1001 हमारा सेट पॉइंट है, तो इसको सेट पॉइंट रखने के लिए LDM1000 लेते हैं। ठीक है, पहले ये यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, next you know, from up here the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं, मेरे को रीड करना है यहाँ पे, तो MODWR K1H1001 कितना K300 मूव करा था, 350 मतलब 350 का मतलब क्या, 35 डिग्री, क्योंकि पॉइंट वैल्यू आती है ना K35 वैल्यू डिग्री। ठीक है, अब इस चीज़ को अब इस चीज़ के अंदर कई सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में ऐड किया, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ मैंने ऐड किया। टेम्परेचर सेंसर टाइप हमने यूज़ कर रखा है, ठीक
ठीक है इसको इन द ग्रेट आउटडोर्स को भी कॉपी कर लेते हैं यू एंड मी मेंट टू बी इन द ग्रेट आउटडोर्स फॉरएवर सी सेट पॉइंट है नीचे हम इसके नीचे देखते हैं 101 हमारा सेट पॉइंट है नीचे हमारा कंट्रोल इनपुट सेंसर टाइप है हमारा 104 इनपुट सेंसर टाइप ठीक है 105 कंट्रोल मेथड इसके हिसाब से मैंने ये प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है पहले ही ठीक है और इसको कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को इंसर्ट करते हैं ठीक है सेम प्रोग्राम है उसके अंदर बस मैंने कमेंट्स गलत डाल दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ और ये हमारा अभी हम यहाँ देखते हैं तो इसको ऑनलाइन ले लेते हैं एक बार ठीक है अभी हमारा जो टेम्परेचर है 22.9 है ठीक और हमारा आउटपुट 2 ऑन है ठीक है अभी एक बार हम नीचे एक बार नज़र डाल लेते हैं कैसे कैसे हो रखा है कंट्रोल मेथड 105 पे 1 डाला 105 मेरा कंट्रोल मेथड इसमें 1 डाला हुआ है अगर हम एक इसके मैनुअल में देखते हैं मैनुअल में देखते हैं तो क्या दिखता है हमारे पास 105 कंट्रोल मेथड है और इसका 1 का मतलब ऑन ऑफ कंट्रोल में है ऑन ऑफ कंट्रोल मेथड में है ठीक है नेक्स्ट हमारा 1069 ये कंट्रोल सिलेक्शन ऑफ आउटपुट 1069 भाई के 0 डाला हुआ 1069 पे जाते हैं हम लोग 1069 का हमारा 1069 ये रहा ये है 1069 आउटपुट सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल सिलेक्शन ऑफ 1 हमारा 1 डाला है तो ये कूलिंग है तो हम लोग 1069 पे चले जाते हैं तो ये हमारा 0 डाला हुआ है तो 0 पे हमारा क्या है हीटिंग है ठीक है उसके बाद 106AH आउटपुट सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल 2 ठीक है आउटपुट 2 के लिए है हमारे पास तो हम इसमें चले जाते हैं H01 में कंट्रोल 1 तो आउटपुट 2 हमारा कूलिंग डाला हुआ है ठीक है आउटपुट 2 हमारा कूलिंग के लिए और आउटपुट 1 हमारा हीटिंग करने के लिए आप मैनुअल में एक बार दोबारा जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आउटपुट 2 कूलिंग पे 1 है और आउटपुट 1 हीटिंग पे 0 है ठीक है तो हमने इसके अंदर यही किया हुआ है आउटपुट 1 में 0 मूव कराया हुआ है और आउटपुट 2 में हीटिंग 1 मूव कराया तो कूलिंग के लिए आउटपुट 2 और आउटपुट 1 हीटिंग के लिए H1010 और H101 ये आउटपुट 1 का हिस्टेरेसिस है आउटपुट 2 का हिस्टेरेसिस है ठीक है अब मैं आपको दोनों स्क्रीन दिखाता हूँ कि ये मेरा पीवी वैल्यू है और मैंने जो सेट किया हुआ है अभी 0 है मेरा सेट टेम्परेचर ठीक है ठीक है अभी क्या है कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं अब ये है रुको मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ ठीक है अभी मेरा आउटपुट 2 ऑन है आउटपुट 1 ऑफ है RXTX ऑन ऑफ हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है ठीक है इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ तो अच्छे से दिखेगा आपको ठीक अभी क्या है कि मेरा 22.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है और जो मैं मूव कर रहा और जो मेरा सेट टेम्परेचर 0 है तो इसका मतलब कि ये कूलिंग में कर रहा है अभी कूलिंग कर रहा है सिस्टम को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है इसलिए आउटपुट 2 कूलिंग मेरा चालू है मैं इसको क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ प्रीसेट वैल्यू और इसको मैं K300 कर देता हूँ इसका मतलब K30 कर देता हूँ ठीक है K30 कर दिया मैंने अब मेरा क्या है कि यहाँ पे मेरा आउटपुट चेंज हो गया अब मेरा आउटपुट 1 चला गया अब ये क्या कह रहा है कि मेरा जो सेट टेम्परेचर है वो कम हो गया सेट टेम्परेचर मेरा बड़ा ज़्यादा है अभी प्रीवियस टेम्परेचर से जो मेरा चल रहा है टेम्परेचर उससे अब मैं क्या करता हूँ कि अपने टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ मैं अपने थर्मो ये मेरा थर्मोकपल है और इसको मैं अगर इसको रब करूँगा तो आप देखोगे स्क्रीन पे कि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है D1050 में देखो आप मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे ही टेम्परेचर मेरा 330 को पास करेगा मतलब 300 को पार करेगा के 300 को पार करेगा मेरा आउटपुट 2 ऑन हो जाएगा और आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगा अभी देख सकते हैं आउटपुट 1 ऑन है इसको रब कर रहा हूँ 28 डिग्री टेम्परेचर चला गया ये तो कम हो रहा है
और अच्छे से मुझे रब करना पड़ेगा। रुको, लाइट लाइट यूज़ कर सकते। चलो 29 चला गया, 29.1, 29.3, 29.4, 29.6, 29.7, 29, और ये 300 होते हैं। आउटपुट 2 ऑन हो गया और आउटपुट 1 ऑफ हो गया, तो मतलब आउटपुट 2 मेरा कूलिंग के लिए, कूलिंग का सिस्टम ऑन हो गया। अब ये जैसे मैंने इसको छोड़ा, टेम्परेचर कम हुआ, वैसे ही मेरा सिस्टम चेंज हो गया। आई होप अजय वैसे ही मेरा आउटपुट चेंज हो गया। आई होप अपने इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन मतलब कर पाया हूँ मैं अपनी वीडियो को, अपनी चीज़ों को इसके अंदर। और एक मैंने DTC 1000 का ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन कराया हुआ है डेल्टा के HMI के साथ, DOP 103B के साथ। आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे, चाहे नीचे आप अब ये एंड का एंड स्क्रीन में वो मेरी वीडियो आ रही होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। आई गॉट टाइम और मेरा सब्सक्राइब वगैरह कर देना, एक अब वॉच टाइम थोड़ा मेरा इंक्रीज करा दो। दैट्स ऑल, इतना ही था इस वीडियो के लिए, थैंक यू। The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be.